अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। प्रस्ताव प्रस्तुत हो। मेरा सुझाव है 3 दिन बढ़ा के कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो करो। वो तो 3 दिन में क्या होगा, इतने मुद्दे हैं, ये 3 दिन में बस हाथ लगाओ और दौड़ो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहा था मैंने उस दिन पीएससी में भी ये बात कही थी। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ आपने कहा था, लेकिन मैं ये नहीं, वो तो हर बार कहते हैं आप, वो तो आपने कहा था ना। माने मुख्यमंत्री ने टाइम बढ़ाई दिया तो लगभग लगभग अंदर से आप सहमत थे, लेकिन नहीं, हमने तो पीएसी में बहुमत से यह फैसला हुआ। ये कहो नहीं, देखिए एक बहुमत का प्रजातंत्र है, बहुमत की आप चौथी है, बहुमत से फैसला हुआ। चौधरी साहब ये कहो, चौधरी साहब वो हमने 4 घंटे की बजाय 6 घंटे का सेशन कर दिया, वो डेढ़ सिटिंग वैसे ही बढ़ गई। ये बहुत सीरियस मैटर है, अर्जेंट मैटर है, इसको कॉल अटेंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया। कॉल अटेंशन मोशन अध्यक्ष महोदय, अर्जेंट मोशन का आप कर लो, नहीं एक्सेप्ट कर लो, नहीं क्या नहीं नहीं, ये तो कानून व्यवस्था, इतना ज्वलंत मुद्दा है, बिल्कुल सदन के अंदर हम चर्चा करवाने के लिए मैंने कॉल अटेंशन मोशन जो है वो जो सबसे पहले बलराज कुंडू जी का अटेंशन मोशन आया था वो हमने स्वीकार किया है, वो तो करो, उसके मुताबिक जो नियम के जो फैसला कर लिया वो करोगे। मेरा आपसे निवेदन है कि फैसला आपने कर दिया, हमारा आपसे निवेदन है फैसला बदल दो, नहीं अडजस्टमेंट मोशन में कर दो, जो एडजस्टमेंट उसको ही करो, इसको कालेंगे टेंशन जो है एडजस्टमेंट मोशन, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। अध्यक्ष जी कुछ हमारी हम रिक्वेस्ट करें आपसे। नहीं नहीं, मैंने तो आपकी रिक्वेस्ट पहले ही मंजूर कर ली है, मैंने नहीं कहा, आपने जो कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए, उसमें वही है कि देखिए एक विषय, ये विषय ऐसा है अध्यक्ष जी कि ये इसमें अडजस्टमेंट मोशन जरूरी है, सब बोलना चाहते हैं, बहुत गंभीर मामला है। नहीं देखिए विधायकों को तभी मैंने इसको डीएसपी का मर्डर हो गया और उसकी वजह से सारे वो सब चीजें देखिए, अगर कानून व्यवस्था अगर खराब है तो प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता। ये बहुत गलत मुद्दा है और कहा देख रहे हरियाणा के लोग के ऊपर चर्चा करिए, हरियाणा का हर आदमी भयभीत हुआ हुआ है, आप उसको मुद्दे को नहीं बोलना चाहते, पकड़े गए क्या बात भाई, ये भयभीत हो गया तो इस्तीफा देने को तैयार था, हमने बड़ी मुश्किल से बनाया, आपके तो भयभीत थी कोई, एक विधायक तो इस्तीफा ही दे रहा था अपना, कमाल करो सारे हरियाणा। चलो सोच रहे हैं अध्यक्ष जी, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, आपने परंपरा डाली हुई है उसी का पालन कर रहा हूँ मैं, परंपरा डलती है उसी का, परंपरा डलती है, परंपरा सारी नहीं मानते आप, सारी नहीं मानते, नहीं नहीं, मैं जो, तो आपकी जो, उसका जो आपको सूट करता वो परंपरा है, नहीं नहीं आपने डाली हुई है वो तो मैं थोड़ी डाल रहा हूँ, हमने कहा भाई 0 आवर चलेगी बीएससी में, अब आप इसके हो गया, अब 0 आवर का कोई कानून नहीं, वो भी जो परंपरा है वो भी परंपरा है ना, अब आप मान गए उसके लिए तो रूल्स कमेटी ने कर दिया, मैं आपका धन्यवादी हूँ 0 आवर के लिए, मैं आपका थैंक्स करता हूँ उसके लिए, नहीं नहीं करेंगे, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी तो क्या कोई हमारे को दिखाओ, परंपरा लिखा हुआ अब लिख दिया, कोई किताब पढ़ी हो बताओ, और किताब परंपरा अभी रूल मैं इनसे बात नहीं कर रहा, मैं बात आपसे लोकसभा में और चौंक की चर्चा में अंतर होना चाहिए, मेरा फिर आपसे आग्रह है, बार बार आग्रह है, देखिए मैं समझता हूँ नहीं, अगर नहीं आपने माना ठीक है, आप दो चार चलिए।
कहना चाहता हूँ वो इनसे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मुझे समय दो फिर क्या फायदा, हाँ। एक मिनट के लिए समय दो। हर घर इसको अलग से है, ये उसमें मत जोड़ो। हर घर तिरंगा जो स्कीम लाई है मैं उसका स्वागत करता हूँ। स्कीम नहीं है आजादी का, ये आजादी का वो है 20,000 झंडे, हाँ। अपनी तरफ से मैं ये सदन को संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैं इसके 20,000 झंडे अपनी तरफ से हल्के में लाऊंगा। लेकिन एक छोटा सा निवेदन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जो 20 रुपए का झंडा जो हमारे उसमें सेंटरों में दिए, पहले मैं एक संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जब कोविड काल का टाइम बांटे है तो आज झंडे होने चाहिए इनका, हमारे सभी का उसको व्यापार ना करके उसको फ्री में फोटो नहीं कर। क्या विषय क्या है इसका, व्यापार ना करेंगे का, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय सदन से। अपने धन्यवाद करता हूँ मुझे जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का जो मौका दिया आपने। तो लॉ एंड ऑर्डर कोई एक बात से नहीं होता, कोई चोरी ठगी से नहीं होता, चोरी और डकैती से नहीं होता। ठगी वो होती है जो अपना बन के ठग के ले जाए, और यहां तो अपने आप को अपना बना के अपने आप को सबसे बड़े राष्ट्रवादी बता के देश को ठगने का काम कर रहे हैं। तिरंगा बिक रहा है और मोदी जी का लिफाफा फ्री में जा रहा है, चाहे अनाज बांट दिया। तो इसलिए अपने आप को सुधारो, ये देश के अंदर हिंदुस्तानी बन के रहो। अगर आप टोपी देख के पाकिस्तानी बताओगे और पगड़ी देख के खालिस्तानी बताओगे तो हिंदुस्तानी कौन रहेगा इस देश में? अरे फिर आपको जो सुधरा हुआ है, जो बिगड़ा हुआ है उसको, अरे डांडा साहब, अरे तकलीफ उसी को है। आप बैठ जाओ ना, आप अरे कोई, आप गोगी जी, आप जनाब ये पूछिए, ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही तकलीफ हो रही है। इसी अरे जो मैं कह रहा हूं, आप बैठिए, डांडा साहब बैठ जा, ये लॉ एंड ऑर्डर है क्या? शर्माणी चाहिए हमें, हम लॉ एंड ऑर्डर पे डिस्कशन कर रहे हैं, हमें शर्माणी चाहिए, हमें शर्माणी चाहिए। अरे तूने ओथ ली है हिंदू राष्ट्र की, तेरे को इस्तीफा देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। तू हिंदू राष्ट्र की संविधान के खिलाफ देता है, हिंदू राष्ट्र की बैठिए बैठिए, कौन आदमी है तू? तू मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड पे, अरे आपने हिंदू राष्ट्र की छत ली है, शर्म करना या तू पोल खुलवाता है अपनी। आप बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, डर गए, अरे सच्चाई सुनने की इज्जत रखो। असीम जी बैठ जी प्लीज, असीम गोयल जी आपको इस सदन में बैठने लायक भी नहीं। दादा जी बैठ जी, बैठिए जरा, गोगी जी बैठ जी। देखिए एक मेरा आपसे निवेदन है, एक मेरा आपसे निवेदन है कि विषय के ऊपर रहिए, विषय के बाहर बिल्कुल इजाजत नहीं होगी बोलने। जो मैं अभी सदन में आने से पहले प्रिंट आउट करवा के लेके आई हूँ, आज सुबह मैंने कहा कि आज की जो मेरे प्रश्न लगे हैं कृपया आप उनकी फोटो भेज दें, अध्यक्ष महोदय मैं ये टेबल भी करूंगी। ये इंटरनल रोड्स ऑफ झज्जर सिटी की जो मैंने प्रश्न लगाया है, ये उन सड़कों की स्थिति आज सुबह 8:50 पर ली गई ये फोटोग्राफ्स हैं और जिनको मैंने अभी प्रिंट आउट करवाया है। अध्यक्ष महोदय जरूर इस बात को लेकर जांच होनी चाहिए कि जब हमने प्रश्न लगाया अग्रसेन चौक का, माननीय मंत्री जी ने ये छारा चुंगी चौक, यहाँ पर कहीं भी पब्लिक हेल्थ की कोई पाइप का विषय नहीं है, करीबन साल भर से टूटी पड़ी है। ये जो है हमारा राव तुलाराम चौक, बिल्कुल सुबह की फोटोज है ये अध्यक्ष महोदय, ये हमारा राव तुलाराम, आप इसको मोटरेबल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इस पे पैचवर्क किया जा रहा है। ये अध्यक्ष महोदय हमारा अग्रसेन चौक, अग्रसेन जो हमारा दिल्ली गेट से लेकर रामलीला ग्राउंड से बहादुरगढ़ की ओर जाता है, 2.5 साल हो गए, बद से बदतर हालत हो गई, एक साइकिल स्कूटर पैदल व्यक्ति नहीं निकल सकता है। झज्जर शहर वासियों ने बहुत बार
ट्रैफिक जाम किया, रोड जाम किए, हमने इसको ग्रेवेंसीज में रखा, बार बार अधिकारियों से कहा, और मुझे जो पत्र दिए गए हैं लगातार एक साल से झज्जर शहर के एस्टीमेट्स के लिए बार बार सर विधायक विधानसभा में और मंत्री जी को भेजा जा रहा है। कुछ रोड्स सर ये देखिए, ये रोड्स हैं, ये बिल्कुल मॉर्निंग की फोटोग्राफ्स हैं। जब आज प्रश्न लगा हमें पता चला, तो मैं एक तो अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छे से जवाब देने का प्रश्न किया कि ऑल दीज कंडीशंस आर राइट, अगर सभी सही हैं तो आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने आपको ये कहा है कि रोड सही है, जबकि मैं अभी बिल्कुल ताजा फोटोग्राफ्स निकलवा कर लेके आई हूं। तो आप इसमें मुझे एक तो आश्वासन दें, और आश्वासन के साथ साथ जिस प्रकार से 2016 से कई आश्वासन चलते आ रहे हैं, आज तक टेंडर भी नहीं हुआ, टाइम बाउंड मैनर में आप बताएं कि झज्जर शहर की दुर्दशा को सुधारने के लिए सरकार, क्योंकि हम कांग्रेस के चुने हुए लोग हैं, कब प्रयास करेगी। 4 करोड़ के करीब म्युनिसिपल कमेटी ने उसमें कहा पैचवर्क कर दिया, आप कह रहे हैं 6 करोड़ रुपया जो है वो पब्लिक हेल्थ वाले करने वाले हैं, पब्लिक हेल्थ के मंत्री भी यहां होंगे, आप उनसे भी पूछें अगर पब्लिक हेल्थ की है, पीडब्ल्यूडी की है या म्युनिसिपल कमेटी है, दिस इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक इनटू द मैटर कि क्या लोकल बॉडीज की है, पब्लिक हेल्थ की है, पीडब्ल्यूडी की है। लेकिन अध्यक्ष महोदय काइंडली सदन को गुमराह ना करके, हम लोग इतनी बार चुनकर वहां से आए हैं, हम अपने चुने हुए जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते। कृपया डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब इस बात का जवाब दें कि पटल पर जो आपने जवाब दिया है, और मैंने सुबह की फोटो जो मैं अभी घंटा पहले निकलवा कर लाई हूं, उनमें ये इतना बड़ा अंतर क्यों है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पिक्चर दिखाई है, पहली चीज तो मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा, ये पिक्चर कहां की है, अगर इसकी जियो टैक्स, ये मेरे को एक सेकंड, ये मेरे को टेबल के साथ साथ आप इनके जियो टैक्स जरूर मेरे को दे कि मैं चेक कराऊं, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में पीडब्ल्यूडी अकेला सड़कें नहीं बनाता, आज यूएलबी बनाता है, एचएसआईडीसी बनाती है, एचएसबीपी बनाता है, मार्केटिंग बोर्ड बनाता है, पंचायती राज बनाता है, और साथ में अर्बन लोकल बॉडीज की नहीं, एक, अलग की एक दूसरे जी जो 4 उन्होंने चौक बताए हैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण ही दे रहा हूँ, हमारे यहाँ पर 6 बॉडीज हैं अगर चौक जो अलग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, मान्य सदस्य ने वो चौक अगर मान्य सदस्य ने देखिए आपके अंदर वो नहीं है तो आप कहिए कि ये मेरे अंदर नहीं है, अध्यक्ष ये अगर अंदर जियो टैक्स इसलिए मांग रहा हूँ कि अगर मेरे किसी अधिकारी ने जवाब के अंदर आपकी जियो टैग लोकेशन के ऊपर सेटिस्फैक्ट्री निकला, आई प्रॉमिस यू वी विल इमीडिएटली सस्पेंड दैट ऑफिसर विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। मेरा आपसे निवेदन था कि जो 18 मेंबर्स कांग्रेस के जिन्होंने इस सर्जन मोशन को दिया था, आप उसमें 2 की बजाय मैक्सिमम लोगों को चर्चा करने का मौका देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर जितनी अच्छी जल्दी चर्चा कराएंगे उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं समझता हूँ कि जरूर आप उन मेंबर्स को मौका देंगे, पर्टिकुलर उनको जिनको धमकियाँ मिली है, जिनको टेलीफोन पे बारी बारी से कॉल करके कहा गया। सबसे ज़्यादा पीड़ित इसमें मेरे ख्याल सुरेंद्र पवार जो विधायक है वो हुए थे, उन्होंने तो उस डर और भय के माहौल में अपना त्यागपत्र देना ठीक समझा, मेरे ख्याल वो त्यागपत्र दे करके हरियाणा छोड़ करके भी कहीं दूसरे स्टेट जाना चाहते थे, यहाँ रहना भी नहीं चाहते, इस किस्म का माहौल प्रदेश का बना, इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन सबको मौका देंगे। जहाँ तक सवाल अपराध का है, बहुत विस्तार के साथ मंत्री जी ने आंकड़े के साथ कांग्रेस के वक्त में क्या हुआ आज उन सब बातों पे चर्चा करी, बताया 40 मिनट से ज्यादा समय ये उस पर बोलते रहे, यहां तक भी जो हमें लिखित के अंदर इन्होंने ये जो अपना उत्तर दे करके भेज रखा था इसको भी पढ़ करके आपने सुनाया कि क्या कुछ इस पे आप कहना चाहते थे, जब आपने लिख करके दे दिया था हमने उसको पढ़ लिया था तो फिर इसको दोबारा से सबके सामने रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन केवल और केवल ये दिखाना चाह रहे थे कि कांग्रेस के वक्त में जो अपराध बढ़ता और घटता रहा हमने उस पर अंकुश लगाया, लेकिन उस पर कई जगह मेरे ख्याल
आंकड़े जो आपको ठीक से दिए नहीं गए उसमें भी आप कई दफा अपनी ही सरकार की बड़ाई करने की बजाय सरकार की जो बुराइयां थी उनको छुपाने की बजाय उनको गिनाना शुरू कर दिया था कि अपराध कितना कितना बढ़ गया। प्रदेश में गैंगवार की जो घटनाएं हैं, जो विधायकों को फ्लैट दी गई उसके बारे में तो इस पर भारी भारी चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक आदमी को मालूम है और आपने अपने उत्तर में भी सारी बातें कही है। लेकिन जो पिछले दिनों प्रदेश में गैंगवार की जो घटनाएं बड़ी 20 हत्याएं जो है इस एक साल में गैंगवार की वजह से हुई है, जिसमें रंगदारी मांगी गई, जिसमें पैसा मांगा गया और जिस किसी ने पैसा देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ये आपके नियम, आप पढ़ ले, आप इसको बुक है, नियम बुक है मेरे पास, मैं क्या करूं इसमें ऐसा। गीता बुकल जी, अभी आपको कोई नियम पे चलता होगा उस साहब, मैं तो नियम की बात, मेरे पास आप कहा जान से, आपके पास आप तो आप स्पीकर हैं, मेरे पास एनएससीआर की क्या आंकड़े हैं, अगर वो सारे आंकड़े मैं रखूं तो उसमें टाइम नहीं, वो तो आगे आप दे देना, लेकिन एक सीरियस मैटर है ये। नीरज शर्मा जी आप बोलिए, नीरज शर्मा जी आप बोलिए, नहीं बोलना क्या, आप पूछिए क्वेश्चन, पूछिए आप प्लीज, थैंक यू, ठीक है जी, बैठो, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा, आप नाम ही नहीं दे रहे, आप, आपको मैंने भेजा था, आप नाम दिया नहीं आपने, आप नियम पे चलेंगे या नहीं चलेंगे, पहले गोभी से बुलवा जी, मैं नियम बोल रहे हैं क्या, दोनों नहीं बोलना है, पांच लोग बोल सकते हैं कॉलिंग अटेंशन पे, नहीं 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 आपके ही बोल रहे हैं, काजन जी आपके नहीं है क्या, नीरज शर्मा जी भी आपके ही है, अलग पार्टी के तो नहीं होंगे ना, नहीं मेरी कॉलिंग अटेंशन अलग है साहब, उनको बोलने दे, आप मुझे नाम दे दें कि हम उनके पूछने के बाद, अब ये मेरे पास उनका ये जो है पूरा का पूरा प्रस्ताव आया हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमारे से पूछा नहीं गया, वो लिखते हैं बार बार अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने बताया कि आपकी जमीन का रकबा इस माइनर से हटा दिया गया है और जो किसानों को बताया तक नहीं गया। अब जो है ये लिंक जो है, अब इसके अंदर टेल तक पानी कहाँ जाएगा, ये जो है 150 और 200 एकड़ जो जमीन है ये छपार सब माइनर की है, उसको भी ये थोड़ा इरिगेट करेगी उसमें नो डाउट, पर लेकिन जो ऑलरेडी जो चल रहा था उसको आप 27,000 से घटाकर आप 21,000 कह रहे हो, और कह रहे हो कि हमने लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमने परमिशन लिए, ये तो सरासर झूठ है अध्यक्ष जी। अब टेल तक वहां पे पानी पहुंचता नहीं है, जो है वहां कम करा जा रहा है, एक जगह के ऊपर इतना पैसा डाला जाता है कि वहां पे पूछो ना, अब मेरे को बोलने की बात नहीं है यहाँ पे सदन के अंदर, लेकिन सच्चाई है ये कि सबका साथ सबके विकास की जब बात होती है तो सबको बराबर मिलना चाहिए, ये क्या मतलब हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तो इतने इतने करोड़ों रुपए डाल दो, रोज अखबारों के अंदर आता है, और यहाँ पर जो है जो जायज डिमांड है लोगों की, जो तेल तक पानी की बात कर रहे हैं वो उनको पानी की बात छोड़िए, तेल तक की तो बात छोड़िए, उनके जो बिडोला माइनर जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है उसको वो कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी कि इसको दोबारा से उतना ही बुर्जी जो 6.5 बुर्जी इन्होंने कम करी है वो पूरा वहां पे दिया जाए, ताकि तेल तक पानी मेयर को पूरा करने दीजिए, तेल तक पानी जो है वहां पे पहुंचे, लोगों को परेशानियां ना हो। वैसे ही जो है अभी वो मेरे एक माय ऑनरेबल विधायक कह रहे थे कि हमारा पानी इतना सारा है, इतना ज्यादा है, उसको काट दीजिए, कहते हम काटेंगे नहीं, तो अरे जहां पर जो जरूरत है वहां तो आप भेज दो, ये काम करो, मंत्री होने का मतलब ये है कि आप सारी की सारी पॉलिसीज बनाओ। अब इस तरह से तो ना हो कि आप झूठे जवाब जो है जो हम सदन पटल के ऊपर दिए जा रहे हैं कि उनसे पूछा गया है, जब सारा गाँव इकट्ठा होकर मेरे को ये बात कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई का पानी देते हैं वो कमांड एरिया की सिंचाई के लिए होता है, नहर ये 30,500 बुर्जी की थी, 21 और 30,000 के बीच में दो मोगे थे जिससे सिंचाई होती थी, उसके शेयर होल्डर ने कहा है कि हमें इस नहर से पानी नहीं लेना, हमें पड़ोस वाली नहर से पानी लेना है, और इसका एक तरीका होता है वो केस करते हैं एसडीओ के एक्शन के कैनाल ऑफिसर के, और उनकी सुनवाई होती है, उसके बाद वो एरिया ट्रांसफर होता है, वो सारी कार्रवाई कर चुके हैं, वो दूसरी जगह से पानी लगा रहे हैं,
और ग्राम सभा का प्रस्ताव लिखा हुआ है। मैं पटल और दूसरी बात यह है कि गांव वालों ने लिख कर दिया हुआ है मुझे। मैं अभी दौरे पे थी अपने इलाके के अंदर, वहाँ पर लोगों ने बताया मुझे। कुछ सदस्यों को दिक्कत यह है, पड़ोसी हल्के में इतने सालों के बाद थोड़ा सा पानी मिल गया, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री जी की नीति है कि पूरे क्षेत्र को समान बंटवारा करे, सबको पानी दे, नीति बना के पानी दे। तो शाम को भी हम पानी दे रहे हैं, लेकिन एक एक क्षेत्र को दो नहरों का पानी नहीं दे सकते, एक नहर से ही पानी मिल रहा है। उन शेयर होल्डर ने जो पानी मांगा है, इन्होंने जिस नहर से मांगा है उससे पानी दे दिया। इन्होंने कहा कि हम तो शाम को भी पानी दे रहे हैं। किसान ये कहते हैं कि मुझे इस नहर से पता नहीं होगा, ये घुमाइया भ्रमित करते हैं। शिवानी के नाम के अंदर पूरा पानी शाम को मिलना चाहिए, नहर से पानी मांग के वहां से ले रहे हैं। के अंदर पानी पूरा नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हैं ये भ्रमित करते हैं। और ये असली बात जो है, किसान शेयर होल्डर ने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से केस करके पानी दूसरी नहर से मांगा, उनकी स्वीकृति दे दी, वहाँ से पानी लग रहा है। और वो ये ग्राम सभा कहाँ से आ गया? ये अरे ग्राम सभा तो नहीं है, पर गांव वाले तो हैं ना, गांव वाले तो हैं। गांव वाले उस ग्राम उस नहर के शेयर होल्डर को उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ से पानी लिया। ऐसे तो ग्राम सभा का मतलब नहीं है, जो शेयर होल्डर होंगे वो पानी मांगेंगे, उनको मिलता है। सच्चाई की बात है। अपील, उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ लोगों को जानकारी कागज पकड़ के भाषण देने से धन्यवाद। लेकिन अपनी मर्जी से अपने तरीके से ये जो बात करते हैं वो मत आप सुनिएगा। धन्यवाद। देखिए ये देखिएगा कि किस तरह से जो है हमारे साथ जो है तो शाम के साथ जाति करी जा रही है। किरण जी, मेरा जो सवाल था वो जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी, घोषणा संख्या 25284 के प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपए सालाना का घोषणा हुई थी, ये इसी विधानसभा में। और हम सब विधायकों ने, अध्यक्ष महोदय मैं स्पष्ट करता हूँ, ये मैंने पहली पारी में भी 2014 के सेशन में या 2015 के पहले सेशन में घोषणा की थी, 5 करोड़ रुपए उस समय भी दिया था, और इस समय भी पहले सेशन में 5 करोड़ की, पूरे 5 साल में 1.5 करोड़ है, हर साल का 5 करोड़ नहीं है। किसी को ये गलतफहमी हो तो निकाल दे। जहां तक उन 5 करोड़ की बात है, मैंने स्वयं सूची देखी है, एक चार मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, बैठ जाओ ना, जवाब दे रहा हूँ, बैठो, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। पिछली बार का आपको क्या पता, आप कौन सा पिछली बार सदस्य थे? नहीं, इंक्वायरी नहीं, मैं आपको सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब जिन लोगों को 5 करोड़ में से जो काम उनके विधानसभा के उनके कहने पर हुए हैं, उनकी सुन तो लो, तो उनकी सबकी लिस्ट समेत 7 दिन के अंदर इनको सबको सूचना मिलेगी। 4-5 विधायक ऐसे हैं, बार बार फोन करने के बाद, कहने के बाद भी वो काम नहीं दे रहे हैं, और ना देने के कारण से यहाँ खड़े होकर बोलते हैं। जब उनको ये ठीक है, उनको फोन कराए गए हैं, लिखित हमने भेजा नहीं है, इस बार लिखित 7 दिन में जाएगा कि कितना, सुनिए, 7 दिन में लिखित जाएगा कि कितने काम उनके कहने पर हो गए हैं, कितनी राशि के जो बचे हैं वो अभी भी दे सकते हैं, और अभी भी आगे 1 महीने के अंदर अगर देंगे तो इसको ऑनर करेंगे, और केवल विधानसभा में शोर करना है तो 1 महीने के बाद इसको ऑनर नहीं करेंगे। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।